ओके क्लास सिक्स, इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द पॉलीगॉन। हमने पॉलीगॉन्स को डिस्कस किया था, पॉलीगॉन के टाइप डिस्कस किए थे और पॉलीगॉन का क्या डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर। पॉलीगॉन क्या होता है हमने ये डिस्कस किया था। तो ये क्लोज शेप होती है जो किससे मिलकर बनी होती है, साइड से मिलकर बनी होती है, ठीक है, और इसमें कोई भी कर्व शेप नहीं होती है, ये हमने डिस्कस किया था। इसके टाइप हमने डिस्कस किए थे, जैसे हमने ट्राइंगल डिस्कस किया था, क्वाड्रिलेटरल डिस्कस किया था, पेंटागॉन, हेक्सागॉन, हेप्टागॉन मतलब सेप्टागॉन, या फिर हमने डिस्कस किया ऑक्टागॉन, नॉनागॉन, डेकागॉन लाइक दैट एंड सो ऑन डिस्कस किया था। तो ये सब हम डिस्कस कर सकते हैं। अब इसके क्वेश्चन नंबर वन देखो, क्वेश्चन नंबर वन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन वन में दिया हुआ है आपको, एग्जाम द फॉलोइंग पॉलीगॉन्स इफ एनी वन इज नॉट पॉलीगॉन, इनमें से कोई एक पॉलीगॉन नहीं है ये हमें बताना है। तो वो क्यों नहीं है ये भी हमें बताना है। अब देखो जो फर्स्ट वाला फिगर है वो पॉलीगॉन है क्या, नहीं है, इट इज नॉट ए पॉलीगॉन। जो फर्स्ट वाला फिगर है वो पॉलीगॉन नहीं है। फिगर क्या है ये देखो, इस तरह से दिया हुआ है, तो पॉलीगॉन क्या है, क्लोज शेप है। क्या ये क्लोज हो रहा है, नहीं हो रहा। आप कहेंगे सर साइड से तो बना हुआ है, साइड से ही बना हुआ है, साइड से ओनली इसमें एजेस हैं, लेकिन इसमें क्या कहीं भी क्लोज है, ये तो ओपन है। यहां से एंट्री स्टार्ट की और आप इससे बाहर आ जाओगे, इस रूप से आ जाओगे ना, तो ये क्या है, एक ओपन फिगर है। और ओपन फिगर क्या नहीं हो सकता, क्लोज फिगर नहीं, आई मीन पॉलीगॉन नहीं हो सकता। सो इट इज नॉट ए पॉलीगॉन बिकॉज इट इज ओपन फिगर। ठीक है, तो ये कैसा फिगर है, ओपन फिगर है इसलिए। अब इसका सेकंड देखो, सेकंड क्या है, एक पॉलीगॉन है। सेकंड क्या है, पॉलीगॉन, सेकेंड में इट इज ए पॉलीगॉन। तो जहां पर पॉलीगॉन है वहां पे कोई रीजन नहीं देना है हमें, वो पॉलीगॉन क्यों है, क्योंकि पॉलीगॉन की प्रॉपर्टीज तो हमें पता है, डायरेक्ट हम लिखेंगे। थर्ड, इस सर्किल दिया हुआ है तो सर्किल इज ए पॉलीगॉन, नॉट, इट इज नॉट ए पॉलीगॉन। बिकॉज इट इज ए कर्व स्ट्रक्चर, सब फिगर, तो ये कर्व फिगर है इसलिए क्या नहीं है, पॉलीगॉन नहीं है। ओके, थर्ड में देखो क्या दिया हुआ है आपको, एक सेक्टर टाइप से दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसमें ये तो एजेस हैं, साइड है, लेकिन ये कर्व फिगर भी है ना, और मैंने आपको बताया था पॉलीगॉन में क्या नहीं होता, कोई भी कर्व फिगर नहीं होता, सो इट इज नॉट ए पॉलीगॉन, इट इज नॉट ए पॉलीगॉन बिकॉज इट हैज कर्व सरफेस। ओके, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू इज व्हाट, देखो आपको फिगर दिए हुए हैं, तो फर्स्ट वाले फिगर में कितनी एजेस हैं, फोर एजेस, और मैंने बताया था जब किसी भी पॉलीगॉन में फोर एजेस होती हैं तो फोर एजेस होने पर क्या होता है, वो क्वाड्रिलेटरल होता है। क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। सेकंड देखो इसका कितनी एजेस है, इसमें थ्री, सेकंड वाले में कितनी एजेस है, थ्री, और थ्री एजेस से मिलकर क्या बनता है, ट्राइंगल, क्या बनता है, ट्राइंगल। थर्ड,
क्या दिया हुआ है आपको, फाइव एजेस दी हुई है, फाइव साइड दी हुई है थर्ड वाले में। तो फाइव एजेस से क्या बनेगा, पेंटागॉन। क्या बनेगा, पेंटागॉन, पेंटागॉन। फोर्थ में क्या दिया हुआ है, साइड एजेस काउंट करो, वन टू थ्री, वन टू थ्री सिक्स टू एट, एट एजेस से क्या बनता है, ऑक्टागॉन। क्या बनता है, ऑक्टागॉन। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर टू। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थ्री। अच्छा, इसी में कुछ और भी दिया हुआ है, मेक टू मोर एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल और बताने। तो देखो, क्वाड्रिलेटर हो गया, ट्राइंगल हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन बना दे। तो हेक्सागन क्या होगा, देखो यहां से फिफ्थ हेक्सागन, और हेक्सागन का फिगर बनाना है हमें। तो हेक्सागन का फिगर क्या हो जाएगा, दिस इज योर हेक्सागॉन एंड सिक्स्थ में एक और फिगर बताना था, तुम्हें सेप्टागॉन या हेप्टागॉन कह सकता हूं, सेप्टागॉन, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, हेप्टागॉन भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या फिगर बनाना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री नियर थ्री सिक्स सेवन नियर टू, थोड़ा सा पेंट करके बना देना। ठीक है, अब देखो आपको क्या कहा है क्वेश्चन नंबर थ्री में, एक रेगुलर हेक्सागॉन बनाना है, रेगुलर हेक्सागॉन। तो इस तरह से रेगुलर हेक्सागॉन बनाओगे आप, जिसमें ईच एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, कनेक्टिंग यानी थ्री वर्टेक्स, थ्री वर्टिसेस को ऐड करना है और ड्रॉ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल ड्रॉ कर देना है। तो ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए कोई भी थ्री वर्टेक्स, ये रहे देखो, ये रहे, कोई भी वर्टेक्स को ऐड कर देना जिसको आप ऐड करना चाहो। तो मैंने आपको और बता दी, कोई भी ऐड कर सकते इस तरह, ठीक है। कनेक्ट करोगे, ड्रॉ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ड्रॉ करोगे, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल यू हैव बीन ड्रॉ, जो आपने ड्रॉ किया है वो ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल कैसा होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, कैसा ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में लिख देना, इक्विलेटरल ट्राइंगल विल बी ड्रॉन, अब हेक्सागॉन बनाना कैसे है वो भी समझ लो। हेक्सागॉन बनाने के लिए पहले एक लाइन ड्रॉ करना इस तरह से, ठीक है, फिर प्रोटेक्टर पुट करना, अच्छा डायरेक्ट बना लेना चाहे, यहां पे 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, फिर इसी तरह से यहां पर भी ड्रॉ करना। अब ये 120 हो गया, इसी तरह इस लाइन का 120 ड्रॉ करना प्रोटेक्टर से, इसी तरह इस लाइन पर ड्रॉ करना प्रोटेक्टर से, ठीक है, और फिर यहां पर इससे भी ड्रॉ कर देना, और
1, 2, 3, 4, 5, 6. इस तरह से ये क्या है, ऑल एंगल्स इक्वल एंगल्स आएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां से एंगल ड्रॉ करते जाना है उन पर, ठीक है। तो इसको क्या बनाना है, एक रेगुलर शेप में बनाना है जो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो हेक्सागन ट्रायंगुलर हेक्सागन बनेगा उसका हर एक एंगल इक्वल एंगल होगा, ठीक है। हर एक एंगल कैसा नजर आएगा, इक्वल एंगल नजर आएगा। तो ये हेक्सागन ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ ए स्केच ऑफ ऑक्टागन। ऑक्टागन ऊपर दिया हुआ है ना डायग्राम में, जो आपका फोर्थ वाला डी वाला डायग्राम बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, वो वाला क्या है, ऑक्टागन है। तो आपको ऑक्टागन बनाना है, यूज स्क्वायर्ड पेपर इफ यू विश। अगर आप चाहो तो एक स्क्वायर पेपर यूज कर सकते हो इसे बनाने के लिए, मतलब इस तरह से। ये स्क्वायर पेपर है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहां से इससे इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर इसे कट कर दो, अब मैं बताता हूं कैसे। मान लीजिए 4 सेंटीमीटर लेंथी आपने एक स्क्वायर पेपर लिया, मान लो 8 सेंटीमीटर लेंथी ले लिया, 8 सेंटीमीटर लेंथी ले लिया, ठीक है। तो यहां से आप इसमें से 2 कट कर दोगे, यहां से भी 2 कट कर दोगे, मीन्स 2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लोगे वहां पर। इसी तरह यहां पर 2 सेंटीमीटर अवे 2 सेंटीमीटर अवे 2 2 2, और ये भी। तो यहां बिटवीन कितना बचा, 4 4 4 4, ठीक है। टोटल कितना था, 8 था, तो 2 का ये ले लिया, 2 का ये ले लिया, इसमें भी 2 ले लिया, इसमें भी 2 ले लिया, 2। तो यहां से देखो जो शेप बनी ये क्या है, अगर इसे मैं कट कर दू यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑक्टागन बन गया, और सभी साइड है इक्वल साइड है, ये भी 4 है, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, इस तरह से 4 4 का ही होगा, इक्वल साइड है, रेगुलर ऑक्टागन बनता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, स्क्वायर शीट भी यूज कर सकते हो इसके लिए। ड्रॉ ए रेक्टेंगल बाय जॉइनिंग एग्जैक्टली 4 वर्टिक्स ऑफ द ऑक्टागन। तो मैं अब आपको ऑक्टागन बनाता हूं, एक देख, अब उसने कहा रेक्टेंगल बनाओ कोई भी साइड को ऐड करके, तो आप इसे ऐड करके बना दो, इसे ऐड करके बना दो, ठीक है, या फिर ऐसे ऐड करके बना दो सामने वाली साइड से, कोई भी साइड ज्वाइन कर सकते हो, या तो सामने वाली साइड ज्वाइन कर देना या फिर ये साइड ज्वाइन कर देना, दोनों से क्या बनेगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो आपको जो फिगर दिया है उसमें क्या करना है, या तो आप ऐसे साइड ज्वाइन करोगे या ऐसे, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। ये फिगर था आपको ड्रॉ करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या दिया हुआ है, ड्रॉ ए लाइन, एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है दैट जॉइन एनी टू वर्टिसेस, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो जॉइन करता है किसको, टू वर्टेक्स को ऑफ ए पॉलीगॉन, ऑफ द पॉलीगॉन एंड इज नॉट साइड ऑफ पॉलीगॉन, लेकिन वो पॉलीगॉन की क्या नहीं होनी चाहिए, साइड नहीं होनी चाहिए, मतलब वो उस पॉलीगॉन की क्या नहीं बननी चाहिए, साइड नहीं बननी चाहिए, ठीक है।
ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ पेंटागॉन एंड ड्रॉ इट्स डायगोनल। आप देखो मैं आपको किससे समझाता हूँ, पेंटागॉन से ही बनाता हूँ। देखो ये एक पेंटागॉन है, जो आपको फिगर में दिया हुआ है ना, फिगर टू में उसी से। अब उसने कहा क्या कि इसमें ड्रॉ ए डायगोनल, एक डायगोनल ड्रॉ करना है। मान लीजिए एक डायगोनल है, ठीक है, तो एक बात बताओ ये डायगोनल क्या इस वाले पेंटागॉन की, इस पेंटागॉन की कोई एज है क्या, साइड है क्या? नहीं, ये इसकी साइड नहीं है, साइड तो ये है इसकी, ठीक है। फिर ये क्या है, ये तो अंदर उसकी वर्टेक्स को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट थिंग, अगर आप ऐसा फिगर नहीं बनाना चाहते तो इस तरह से भी बना सकते। मैंने आपको ये भी फिगर एक बताया था, ठीक है, यस, ये फिगर बताया था। और इसमें कहा कि डायगोनल को ज्वाइन कर दो, डायगोनल अपोजिट साइड को ज्वाइन करता है, ये कर दिया, ठीक है, या फिर इस वाले इसको ज्वाइन कर दो, ये को कर दिया। तो ये वाला जो डायगोनल है वो इसकी एज है क्या? नहीं है, क्योंकि ये तो इसके बाहर बन रहा है, अंदर तो बनी नहीं रहा। तो ये वाला फिगर भी बन सकता है, ठीक है। तो आप ये वाला बना ले, ठीक है। तो पेंटागॉन और पेंटागॉन में हमने क्या ड्रॉ कर दिया, ये डायगोनल ड्रॉ कर दिया, और ये इसकी क्या नहीं है, एज नहीं है, ओके। देखो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, राइट पॉइंट नाइन, राइट पॉइंट नाइन में एक्चुअल में आपको क्या दिए, थ्री डी फिगर दिए। थ्री डी फिगर क्या होते हैं, ए शेप विच हैज थ्री डायमेंशन, एक ऐसी शेप जिसमें क्या होती है, थ्री डायमेंशन होती है, वो क्या होते हैं, थ्री डी फिगर होते हैं। थ्री डायमेंशन जैसे लेंथ, ब्रेथ और हाइट, मतलब जिसका एक डेप्थ भी हो, जिसका एक बेस हो, ठीक है, बेस में लेंथ और ब्रेथ हो, ठीक है। अब वो देखो, तो थ्री डी फिगर क्या होते हैं, इसे विच हैज थ्री डायमेंशंस या विच में थ्री डायमेंशन। एग्जाम्पल क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कॉन एटसेट्रा। क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूब,
ये क्या है क्यू। ओके, तो इनमें थ्री डायमेंशन होनी चाहिए। अब देखो टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन से क्या मतलब, जैसे ये है, ये क्या है रेक्टेंगल, क्या है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में होती है टू डायमेंशन, एक तो होती है लेंथ और एक होती है ब्रेथ, होती है। तो इसमें टू डायमेंशन हो गई, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं ये क्यूबॉइड है, तो इसमें होती है लेंथ, इसमें होती है ब्रेथ, तो इसमें ये वाली डिस्टेंस भी तो है खड़ी वाली, तो इसे हम क्या कहते हैं इसकी हाइट, क्या कहते हैं हाइट। तो थ्री डायमेंशन क्या होती है, जिसमें थ्री डी हो, मतलब थ्री डायमेंशन हो, एक तो लेंथ हो गई, एक ब्रेथ हो गई और एक इसमें क्या है हाइट। तो जैसे रूम में अपना, तो रूम में लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट, तो एक हाइट भी होती है। तो ये क्या है, एक थ्री डी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो थ्री डी स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें थ्री डायमेंशन होते हैं। अब देखिए, अब इन्हें एक एक करके समझते हैं, क्यूबॉइड क्या होता है, उसमें एज क्या होती है, वर्टेक्स क्या होती है, सब कुछ, ठीक है। तो मैं पहले स्टार्ट करता हूं किससे, क्यूबॉइड से स्टार्ट करता हूं। यहीं से देखो क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड ये थ्री डी से which has opposite equal opposite faces, अब आप कहेंगे सर फेस क्या होते हैं, फेस ये जैसे ये वाली शेप है, ये वाले रूम मानो और बन गए, लेट मी एक्सप्लेन, मान लो ये डिब्बा है, ठीक है, बन गया इसमें, और अब देखो ये डिब्बा है, ठीक है। अब इसको देखना ध्यान से, ये इसकी एक फेस है, तो इसके जस्ट अपोजिट फेस क्या है, ये वाला, ठीक है, ये वाला है तो ये वाला, तो ये फेस और ये फेस, ये दोनों फेस क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, ये जितना लेंदी है उतना ही लेंदी ये है। इसी तरह से ये वाली फेस और ये वाली फेस, ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये क्या है फेसेस। तो ये वाले जो इससे होते हैं हम क्या कहते हैं फेस कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट क्या है फेस है। अब ये वाला साइड देख रहे हो आप, ये साइड, तो ये साइड क्या है इसकी एज है, क्या है एज। ये वाला पॉइंट जहां पर ये फेस ये और ये मीट कर रहे हैं, वो पॉइंट क्या है वर्टेक्स, क्या है वर्टेक्स। तो ये वाला पॉइंट क्या है वर्टेक्स है, ये एज है और ये फेसेज है, क्या है फेसेज, ठीक है। तो इसकी फेसेज कितनी होती है देखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कितनी फेसेज होती है सिक्स फेसेज होती है। एज कितनी होती है, वन टू थ्री फोर, देखिए वन टू थ्री, तो ये हो गई सेवन, एट वाले हम ऑलरेडी गिन चुके थे, नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, तो ट्वेल्व फेसेज और सॉरी ट्वेल्व एजेज होती है, एज ट्वेल्व फेसेज सिक्स और वर्टेक्स, वर्टेक्स कितनी होंगी, तो यहाँ वर्टेक्स देखो वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, टोटल कितनी हो गई एट, कितनी हो गई एट, एट वर्टेक्स होती है। आया समझ में कुछ। अगर इसी शेप को इक्वल साइड से इक्वल फेस से बना दिया जाए तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, ये क्यूब, क्या हो जाएगा क्यूब। तो ये क्या है, इसके कुछ पॉइंट बता देता हूं मैं, वो लिख लिया,
its faces are rectangle. ठीक है, opposite edges opposite edges are equal. और इसका डायग्राम ये वाला होगा, ये डायग्राम बना लें. ओके, तो ये क्या है, क्यूबॉइड है. नेक्स्ट फिगर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, अबाउट द क्यूब एंड अदर्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट.